देखो गेमर गेमर होता है एंड ऑफ द डे, चाहे मोबाइल हो या पीसी। एंड एक गेमर होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, एक दूसरे से सीखो, गेम के अंदर गेम के बाहर दोनों में लेवल अप करते रहो। साथ साथ वैलोरेंट, BGMI, फ्री फायर, पोकेमॉन यूनाइट, बाकी सारे गेम्स में भर भर के खबरें हैं आज। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, शुरू करते हैं। मैं हूं राहुल इंदुजा, वेलकम टू ईस्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। हम जानते हैं कि पीसी गेमिंग और मोबाइल गेमिंग दोनों में सब परफेक्ट नहीं होता है ना, बट आज हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेंगे। शुरू करते हैं पीसी गेमिंग कम्युनिटी से और वो मोबाइल गेमिंग से क्या क्या सीख सकते हैं। देखो पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉयल्टी। मोबाइल गेमर्स ना अपने फेवरेट एथलीट्स, टीम्स, क्रिएटर्स, इन सबसे ना कभी कभी गेम से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और इस लॉयल्टी से इन टीम्स या क्रिएटर्स को क्रेजी किस्म का सपोर्ट मिलता है। मॉर्टल या स्काउट को ही ले लो, वो कोई भी गेम खेले ना पब्लिक जरूर देखेगी, क्योंकि पब्लिक गेम के लिए नहीं, उनके लिए देख रही है गेम। एंड ऑफ द डे उनके फैंस यही चाहते हैं कि गेम में मजा आना चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके क्रिएटर्स जीतने चाहिए। ऐसे रोल मॉडल्स की वजह से कम्युनिटी एक साथ स्ट्रांग बनती जाती है। सेकेंड रीजन, कंटेंट क्रिएशन। मोबाइल गेमर्स ना कंटेंट बनाने से इतराते नहीं है, एडिटिंग नहीं पता, पीसी नहीं है, सॉफ्टवेयर के पैसे नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस अवॉइड करके कम से कम रिसोर्सेज होने के बावजूद वो अपने गेम, अपने क्रिएटर के लिए ढेर सारा कंटेंट बनाते हैं सिर्फ अपने फोन के साथ। यूट्यूब पे आधे से ज्यादा क्लिप चैनल्स ऐसे ही शुरू हुए यार। अगर ऐसे पीसी कम्युनिटी में लोग आने लगे ना तो रोज एक नया सांगवान शेयर देखने मिलेगा यार। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट थी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। मोबाइल गेमिंग ना नए लोगों को सिर्फ अपने फोन के जरिए अपना पहला गेमिंग एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं यार। वो कम्युनिटी शुरू में कैजुअली गेम्स ट्राई कर रहे हैं और फिर इवेंचुअली पीसी, कंसोल, दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे स्विच हो रहे हैं। फिर उधर दोस्त ढूंढते हैं, रोल मॉडल्स बनाते हैं, उधर से उनकी जर्नी इवॉल्व होते रहती है यार। क्या पता 5G के साथ साथ अगर उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी तो शायद वो कंसोल या पीसी पे भी अपग्रेड कर पाएंगे। मोबाइल गेमिंग में वो बात है कि कोई भी लोग कोई भी कैजुअल गेम यानी कि स्नेक्स और लैडर्स, चेस, लूडो ऐसे गेम्स से सीधा BGMI और फ्री फायर जैसे कॉम्प्लेक्स गेम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे ट्रेंड्स आपको सिर्फ मोबाइल गेमिंग में ही दिखेंगे यार, काश पीसी गेमिंग में भी ऐसा फंडा होता यार। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट एज एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर। कोई भी अपने लेट 20s तक मोबाइल ईस्पोर्ट्स एथलीट बन सकता है, लॉन्जेविटी है उनके लाइफ में। अगर आज 22 साल का प्लेयर 5 साल का रोडमैप बनाता है तो पॉसिबल है कि वो 27 के उम्र में एज अ क्रिएटर और एथलीट एक सक्सेसफुल करियर बना सकता है। ये पीसी गेमिंग के लिए नहीं कह सकते क्योंकि एक पीसी एथलीट की लाइफ स्पैन शायद ही आपको लेट 20s तक ले जा सकती है। नेक्स्ट, जो दिखता है वो बिकता है। मोबाइल गेमिंग की पॉपुलैरिटी हमारे टाइम में इतनी ग्रो हो गई है ना कि हर प्लेयर खुद को कंटेंट क्रिएटर के नजरों में देखता है, अपने फेवरेट रोल मॉडल को देख के वो भी चाहता है खुद स्ट्रीमर, एथलीट ऐसा कुछ बनो। और आज के दिन ये इम्पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि आज भाई इंटरनेट पे स्ट्रीम करने के लिए आपके फोन के सिवा और कोई चीज की जरूरत नहीं है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, बड़े बड़े पब्लिशर्स इसमें घुस रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है अगर आपको एथलीट या प्लेयर बनना है तो। पीसी में ये प्लेटफॉर्म बहुत सालों से, इनफैक्ट बहुत दशकों से है, लेकिन पीसी में इफ यू वांट टू बी एन एथलीट यू हैव टू बी ग्राइंडिंग 10-12 आवर्स अ डे, एंड उसके लिए आपको एक पीसी की जरूरत है। ऐसे बहुत लोगों के पास पीसीज नहीं होते, विच इज वाई मोबाइल गेमर्स इज जस्ट इजियर टू गेट द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इज जस्ट इजियर। एक और जेन्युइन प्रॉब्लम है, लीडर फिगर्स और रोल मॉडल्स बहुत कम है पीसी गेमिंग कम्युनिटी में। मोबाइल में हजारों एथलीट्स हैं जो कम्पीट भी करते हैं और स्ट्रीम भी करते हैं। पीसी में कितने एथलीट्स हैं जो स्ट्रीम करते हैं? गिने चुने छोड़ के पीसी गेमिंग कम्युनिटी में लीडर्स या रोल मॉडल्स की फिगर्स कितने हैं? कितने पीसी गेमर्स हैं जो सही एग्जांपल सेट करना चाहते हैं अगली पीढ़ी के लिए जो गेमिंग या ईस्पोर्ट्स में सीरियसली घुसना चाहता है? और ये है सबसे बड़ी चीज जो पीसी गेमिंग कम्युनिटी मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी से सीख सकता है, क्योंकि ढेर सारे प्रोफेशनल मोबाइल ईस्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो खुद कॉन्टेंट भी क्रिएट करते हैं, गेम चाहे जो भी हो। तो ये हो गए 5 चीजें जो पीसी गेमिंग कम्युनिटी मोबाइल गेमिंग से सीख सकता है। आई एम श्योर इसके बारे में आपके ढेर सारे ओपिनियंस होंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी
हैप्पी टू डिस्कस देम ऑल. सो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना आपको क्या लगा. और अब चलते हैं बड़े गेम बड़े एक्सपीरियंस वैलोरेंट की ओर, जहां इस हफ्ते बहुत कुछ चल रहा है. पहले तो बात कर लेते हैं द लास्ट एवर वैल क्लासिकों के बारे में. हमारे लिए और वेलोसिटी गेमिंग दोनों के लिए ये मैच बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि यू नो दिस वॉज द लास्ट टाइम दैट बोथ ऑफ दीज टीम्स वुड गो अप अगेंस्ट ईच अदर, एंड दैट टू एक ही घर में बैठे बैठे और इसी रोस्टर्स के साथ. इसके बाद हमारी टीम 2023 VCP सीजन के लिए प्रेप शुरू करेगी, विच मीन्स कोरिया और फिर ब्राजील. राइट, वेरी एक्साइटिंग, बट होल्ड ऑन टू योर एक्साइटमेंट फॉर अ मिनट. वेलोसिटी गेमिंग में भी इसके बाद चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, एज अन्ना ने रिसेंटली कहा. और हमने तो देख ही लिया एक्सकैली का अनाउंसमेंट जो हमने पिछले एपिसोड में एंटिसिपेट किया था. मैच की बात की जाए तो बहुत ही मजेदार सीरीज रहा भाई. वी वन दिस सीरीज बट नेल बाइटिंग था, और वेलोसिटी गेमिंग को इससे SEA चैंपियनशिप ऑफ सीजन इवेंट से नॉकआउट किया. बहुत ही मजेदार मैचेस थे यार. पीक व्यूअरशिप एज ऑलवेज GVLT के मैच में दिखी, क्रॉसिंग ओवर 15,000 कंकरेंट अक्रॉस ऑल द चैनल्स. हिस्टोरिकली एविडेंस को देखा जाए तो भाई फ्रॉम द टाइम बोथ दीज टीम्स जर्नी बिगैन, 17 बार हमने उन्हें हराया है और 13 बार उन्होंने हमें हराया है. बेसिकली 30 बार हमारे मैचअप्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू लिक्विपीडिया. पिछले 2 साल की जर्नी में इंडियन वैलोरेंट के लिए सबसे ऐतिहासिक राइवलरी रही है वैल क्लासिको. एंड इवन ऑन द शो इनकी राइवलरीज के चर्चे हमने ढेर सारे एपिसोड्स में किए हैं. वैल क्लासिको वाले दिन मेरे हिसाब से कोई त्यौहार से कम नहीं होते यार. एंड सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, इंडियन वैलोरेंट फैंस के लिए भी. सो आई फॉर वन आई एम वेरी सैड कि इसके बाद हमें ये एक्सपीरियंस शायद कभी नहीं देखने मिले, लेकिन खुशी भी हो रही है और काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा है कि भाई इस ऐतिहासिक राइवलरी को क्लोजली देख पाया और इसका हिस्सा रह पाया. इसके बाद सारे कम्युनिटी ने भी लास्ट वैल क्लासिको को लेके ढेर सारे प्यारे मैसेजेस भी शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपका सबसे फेवरेट वैल क्लासिको मोमेंट अभी तक कौन सा था. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज ब्लीड ईस्पोर्ट्स को, जिन्होंने फाइनल्स में मिथ को हराया और $15,000 का प्राइस पूल जीता. TEC चैलेंजर्स सीरीज 9 जीतने के बाद ये उनका सेकेंड ऑफ सीजन टाइटल है. अगले महीने पेंटा ईस्पोर्ट्स का ऑफ सीजन इवेंट आ रहा है, तो देखते हैं इफ देयर इज गोइंग टू बी एन SEA क्वालिफायर, एंड अगर हुआ तो लेट्स सी इफ दे कैन मेक इट 3 out of 3. अब चलते हैं स्पीरो भाई के पास, जो हमें बताएंगे BGMI की सारी खबरें. गेमिंग तो आगे चल ही रहा है बट ईस्पोर्ट्स भी बहुत आगे जा रहा है. वैसे हमारे ईस्पोर्ट्स के सुपरस्टार स्पेशली BGMI के वो तो बहुत आगे जा चुके हैं. हाल ही में खबर आई स्काउट मॉर्टल डायनमो जो कि शूट करते नजर आए अक्षय कुमार के साथ. जी हाँ, हमारे गेमर्स हमारे क्रिएटर्स अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ शूट करने लगे हैं. ये एक बहुत अच्छा कदम है फ्यूचर के लिए. इनको देख देख के इनसे सीख सीख के इनसे इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे यंग गेमर्स भी इंडिया में आ रहे हैं. रिसेंट एक स्टडी में बताया गया कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे है एक्टिव गेमर्स की संख्या में. Now that is impressive, right? वहीं एक तरफ रूमर्स आ रहे हैं कि बीच में शायद वापस आ जाए, बट दूसरी तरफ देखा जाए PMGC में जो एक स्लॉट बचा हुआ था, जो क्वेश्चन मार्क आप सबके मन में था वहां पे क्या इंडियन टीम को स्लॉट मिलेगा, तो जवाब उसका आ चुका है और वो जवाब निराशा देके जरूर जाएगा. वो जवाब है कि नहीं, वो स्लॉट इंडियन टीम को नहीं मिला है. वैसे BGMI को तो पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कैसे आएगा क्या होगा आगे. क्राफ्टन की तरफ से 2 नए गेम्स आने वाली हैं. एक का नाम है डिफेंस डर्बी और दूसरे का नाम है कैलिस्टो प्रोटोकॉल. एंड इस गेम को PUBG यूनिवर्स में सेट किया गया है और इंडियन PC गेमर्स कैलिस्टो प्रोटोकॉल को स्टीम पे जाके प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं. ये दोनों गेम्स क्राफ्टन के सब्सिडियरी कंपनीज पब्लिश करने वाली हैं भारत के अंदर बहुत जल्दी ही. एंड इन दोनों गेम्स को खेलने के लिए मैं तो बेहद ही बेताब हूँ. बट ये थी BGMI की खबरें और अब चलते हैं ओरो के पास, जो आपके लिए लेके आए हैं फ्री फायर की खबरें. फ्री फायर कम्युनिटी में कुछ नए साइनिंग्स देखने को मिल रहे हैं. ईस्पोर्ट्स यूनाइटेड ने साइन किया है टेक के फ्री फायर रोस्टर को, एंड बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स ने साइन करा है ऑरा गेमिंग के फ्री फायर लाइनअप को. कांग्रेचुलेशंस गाइस ऑन द न्यू बिगिनिंग. वैसे तो इस हफ्ते फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज खत्म हुआ है इन बैंकॉक, एंड ईवोस फीनिक्स आर द चैंपियंस ऑफ फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज. क्या ही कमबैक मारा है 2 बुयास निकाल के. कांग्रेचुलेशंस टू ईवोस फीनिक्स ऑन देयर बिग विन. पोकेमोन यूनाइट की दुनिया में बहुत सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं. नॉर्डविंड कम्युनिटी कप, दिवाली बैटल्स का ईस्पोर्ट्स का टूर्नामेंट आने वाला है, बट एक और लैंड हुआ इस हफ्ते, दैट वाज ताइवान एक्सीलेंट हेल्ड इन इन्फिनिटी मॉल मलाड, एंड इसके फाइनल्स में खेल रही थी गॉड्स रेन एंड रेवरेंट ईस्पोर्ट्स. एक इंटेंस BO5 की सीरीज में गॉड्स रेन बनी चैंपियन
एंड जीत के गए 2 लाख रुपए। इतनी सारी नई टीम्स हमें दिख रही है फाइनल्स में कम्पीट करते हुए एंड प्राइस पूल जीतते हुए। पोकेमॉन यूनाइट का स्टैंडर्ड इंडिया में बढ़ते ही जा रहा है। नेक्स्ट ईयर हम इंटरनेशनली बहुत डैमेज कर सकते हैं। CS:GO और डोटा फैंस आप लोग के लिए खुशखबरी है, स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 4 में ये दोनों गेम्स खेली जाने वाली है, वो भी LAN पर, एंड इसका प्राइस पूल होने वाला है 25,000 USD। What a return to these games. Last time जब CS:GO का LAN हुआ था ना, वो था 2019 में DreamHack event में, जहाँ पे Russian team Pro 100 जीत के गई थी। जैसा कि मैंने आपको last time बताया था, मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि बहुत सारी नई teams उभर के आने वाली है इस बार इन दोनों game titles में। क्या पता कुछ पुरानी teams वापस आ जाए खेलने। चलो हम CS:GO की बात ही कर रहे हैं, तो एक ऐसी इंडियन टीम है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाने वाली है वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में, जो बाली में होने वाला है स्टार्टिंग 1 December। इंडिया का फर्स्ट गेम होने वाला है ऑन 2 December अगेंस्ट तजाकिस्तान। इस टीम में होने वाले डिफॉल्टर, मैगिल, स्किल स्विच, क्रेजी गेमर एंड लिंक्स। ये वही टीम है जो राउंड 1 ताइवान एक्सीलेंस के लैन में हारी थी, बट लोअर ब्रैकेट से जाके फाइनल जीती, टेकिंग अ प्राइस पूल ऑफ 3 लाख रुपीज। कम ऑन टीम इंडिया, हम आपके लिए रूट कर रहे हैं। CS:GO के साथ साथ टेकन 7 एंड ई फुटबॉल में भी इंडिया वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर चुकी है। हितेश आरकूर खोलवाल इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे टेकन 7 में एट द 14th वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। आरकूल ने जो स्पॉट अक्वायर किया है वो ग्रुप ई में किया है, एंड विल फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, बहामास, वेनेजुएला एंड पैलेस्टाइन। हेमंत पेशमक 7 कोमू विल रिप्रेजेंट इंडिया इन ई फुटबॉल, एंड इन्होंने स्पॉट अक्वायर किया है इन ग्रुप पी, जहां पे फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट कजाकिस्तान, आर्मेनिया एंड गिनी। ऑल द बेस्ट टू दीज एथलीट्स जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारा पूरा सपोर्ट आपके पीछे, बेस्ट ऑफ लक एंड ट्रॉफी जरूर घर लाना। यार देखो, गेमिंग मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, चाहे पीसी हो या मोबाइल। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि कोई भी इस मौके का फायदा उठा सकता है। देखो, मोबाइल गेमिंग से कोई भी कहीं भी गेमिंग के मजे ले सकता है, एंड सिर्फ अपने फोन के साथ। एंड पीसी गेमिंग की बात ही कुछ अलग है यार। ऑल इन ऑल दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखना भी चाहिए ताकि आगे जाके और भी टैलेंट उभर के निकले दोनों कम्युनिटीज से। ऑनेस्टली यही होप से मेरी, एंड विद दैट थॉट होपफुली आप सबको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कमेंट्स में हमें अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना कि आपको क्या लगता है पीसी गेमिंग और मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी और क्या क्या सीख सकते हैं एक दूसरे से। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।